आज हम बनाने जा रहे हैं रेस्टोरेंट जैसी दाल मखनी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके अंदर रेस्टोरेंट वाला फ्लेवर देने के लिए यहाँ मैंने उड़द लिए हैं और उसके अंदर थोड़ी सी चने की दाल डाली है। इसे अच्छे से वॉश कर लिया है, इसे कुकर में डाला है और इसी के साथ मैं इसके अंदर डालूंगी नमक और इससे 3 गुना पानी। और उसके बाद हम इसकी लगा देंगे लिड, और लिड लगाने के बाद हमें इसके अंदर देनी है 10 से 12 विसिल। आप 10 से 12 विसिल लगाने के बाद इसे खोल कर देखिए, अगर ये नहीं गला है तो इसे और विसिल लगा दीजिए। अब ये देखिए ये अच्छे से गल चुका है, तो अब मैं इस तरीके से इसे मैश कर लूँगी। इसे हमें अच्छे तरीके से मैश कर लेना है। आप इसके अलावा आप चाहें तो इसे स्पैचुला की मदद से भी मैश कर सकते हैं। दाल मैश हो चुकी है, तो अब हम जो है इसके लिए एक तड़का तैयार कर लेते हैं। तड़का बहुत सिंपल है, इसके अंदर अनियन गार्लिक का यूज़ बिल्कुल भी नहीं होना है। यहाँ सबसे पहले कढ़ाई में मैंने डाला है बटर, और बटर के साथ हम ऐड करेंगे रिफाइंड ऑयल, वरना जो है बटर वो जल जाएगा। बटर को हम मेल्ट कर लेंगे। इसके अंदर जाएंगे तेज़पत्ते, साथ में इसके अंदर जाएगी दालचीनी के टुकड़े और ज़ीरा। जैसे ही ये पॉप अप हो जाएगा हम इसके अंदर ऐड कर देंगे ग्रेट किया हुआ जिंजर, और इसे भी हमें ऑयल के साथ सॉटे कर लेना है। इसके अलावा मैंने जो है वो टमाटर को ग्रेट कर लिया है, आप चाहें तो उसे ग्राइंडर में ग्राइंड भी कर सकते हैं। तो मैंने ये 4 टमाटर लिए हैं, उन्हें अच्छे से ग्रेट कर लिया था, ये डालेंगे। और साथ में हम इसके अंदर कुछ मसाले डालेंगे, जैसे कि हल्दी पाउडर कलर के लिए, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, और नमक थोड़ा सा, क्योंकि नमक हम उड़द में ऑलरेडी डाल चुके हैं। इसमें धनिया का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं होना है। अब हमें मसाले को मिलाते हुए अच्छी तरीके से भून लेना है, जब तक कि इससे ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता है और मसाले अच्छे से कुक नहीं हो जाते हैं। आप देख सकते हैं ये मसाला हमारा काफ़ी अच्छे तरीके से भून चुका है। इसे हम कुछ देर और इसी तरीके से चलाते हुए भून लेंगे। अच्छे से भुन चुका है और आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त सा रेड कलर आया है। तो बस अब हम यहाँ पर इसके अंदर जो हमने दाल बॉईल करके रखी थी वो ऐड करेंगे और इसे मसाले के साथ अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। दाल को मसाले के साथ अच्छी तरीके से हम मिला लेंगे। आप देख सकते हैं दाल जो है वो हमारी काफ़ी गाढ़ी है, तो सबसे पहले हम इसे अच्छे से मसाले के साथ मिलाएंगे और उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी। पानी ऐड करने के बाद हम इसे लो फ्लेम पर पकाएंगे, और लो फ्लेम पर लगभग हम इसे 15 से 20 मिनट के लिए पकाएंगे। इससे जो है वो दाल का कलर भी चेंज होगा और दाल में टेस्ट जो है वो तभी आएगा। ये हमने पानी ऐड कर दिया है, और पानी ऐड करने के बाद भी हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर जो दाल लो फ्लेम पर बॉईल होगी तो उसमें मैं थोड़ा सा मिल्क भी ऐड करती हूँ, इससे जो है बहुत क्रीमी सा फ्लेवर आता है। तो यहाँ पर मैंने लगभग 1 कप मिल्क लिया है, और ये डालने के बाद भी हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। यहाँ मैंने 1 बड़ा कप मिल्क लिया है, 6 कप मिल्क नहीं लिया है, तो इसे भी अच्छे से मिला लेंगे। और मिलाने के बाद हम इसे अच्छे से कुक होने देंगे लो फ्लेम पर। बस हम इसे चलाते रहेंगे ताकि ये बॉटम में ना चिपके। आप देख सकते हैं इसका कलर जो है वो कितना ज़बरदस्त सा आने लगा है, आप देखिए। उसके बाद यहाँ पर मैंने ज़ीरे को भूनकर उन्हें हल्का हल्का सा दरदरा सा कूट लिया था, तो यहाँ पर मैं वो ज़ीरा भी ऐड कर दूँगी और इसे भी हम इसके साथ मिक्स कर लेंगे। ये 1 टेबल स्पून ज़ीरा था, जिसे मैंने 1 टेबल स्पून ज़ीरा भर कर लिया था, उसे मैंने हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लिया था और उसके बाद इसे कूट लिया था। तो ये हम डालकर इसे भी हम अच्छी तरीके से मिला लेंगे, इससे जो है वो फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। मैं यहाँ पर इसके अंदर ऐड करूँगी बटर, बटर से भी इसका फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त आता है। इसके अंदर मेन जो काम है वो बटर का और क्रीम का है, तो ये मैंने बटर ऐड किया है। अब बटर को हम दाल के साथ मिला देंगे, और जब तक कि ये मेल्ट नहीं होता है हम इसे इसी तरीके से चलाते रहेंगे ताकि बटर का फ्लेवर पूरी दाल में अच्छे तरीके से आए। आप देख सकते हैं हमारी दाल का कलर कितना ज़बरदस्त सा हो गया है।
तो हमें इसी तरीके से इसे लो फ्लेम पर पकाना है। दाल जितनी देर पकेगी उतना ज़बरदस्त इसमें फ्लेवर आएगा। अब यहाँ पर मैं इसके अंदर फ्रेश क्रीम, अमूल फ्रेश क्रीम ऐड कर रही हूँ। आप इसके अलावा घर की मलाई का यूज़ भी कर सकते हैं। ये डालने के बाद हम इसे मिला देंगे। मैंने काफ़ी सारी क्वांटिटी में फ्रेश क्रीम जो है इसके अंदर ऐड की है। अब यहाँ पर हम इसके अंदर ऐड करेंगे ड्राई रोस्ट की हुई कसूरी मेथी। इसे मैं हथेली के बीच में रब कर इस तरीके से डालूंगी और इसे भी हम इसके साथ मिला देंगे। दाल मखनी में मेन रोल जो है वो क्रीम का और बटर का है, तो इसलिए मैंने क्रीम, बटर और मिल्क ये मैंने थोड़ी थोड़ी देर में कई बार डाला है। अब मैं यहाँ पर इसके अंदर डालूंगी देसी घी। जी हाँ, देसी घी से भी इसका फ्लेवर अच्छा आता है और रेस्टोरेंट में देसी घी का इस्तेमाल होता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर देसी घी ऐड किया है। अब यहाँ पर मैं इसके अंदर लगभग 5 मिनट पकाने के बाद फिर से क्रीम ऐड करूँगी और क्रीम ऐड करने के बाद हम इसे अच्छी तरीके से मिला देंगे। क्रीम मिक्स करने के बाद अब हम यहाँ पर ऐड करेंगे गरम मसाला पाउडर। गरम मसाला पाउडर लगभग हम इसमें एंड में ही ऐड करेंगे ताकि इससे लास्ट में इसमें फ्लेवर रहे और फ्लेवर जो है इसके वो रिमूव ना हो। ये हमने मिला दिया है इसके अंदर। आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त सा कलर आया है दाल मखनी का, एकदम रेस्टोरेंट जैसा। लास्ट में हम इसके अंदर डालेंगे कटी हुई अदरक और हरा धनिया, और साथ में मैं इसके अंदर एक बार फिर बटर ऐड करूँगी। ये मैंने काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में बटर ऐड किया है और इसे हम अच्छे से मिला देंगे। ये हमारी दाल मखनी बनकर तैयार है। अब हम इसके अंदर चारकोल का फ्लेवर देंगे, तभी इसके अंदर रेस्टोरेंट वाला फ्लेवर आएगा। तो यहाँ पर मैंने चारकोल लिया है, इसके ऊपर मैंने ऑयल डाला है, इसे कवर कर देंगे और लगभग 5 मिनट बाद इसका कवर हटाकर मिक्स कर देंगे। दाल मखनी को सर्व करेंगे, ऊपर से हम इसे कर देंगे क्रीम, अदरक और हरे धनिए से गार्निश, और साथ में हम इस पर ऐड कर देंगे बटर। ये हमारी रेस्टोरेंट स्टाइल दाल मखनी जो है वो बनकर तैयार हो चुकी है। आप इसे बटर नान, गार्लिक नान या प्लेन नान, जैसे भी आपको पसंद हो, आप इसे उसके साथ सर्व कर सकते हैं। तो ये हमारी दाल मखनी बनकर तैयार है। ऐसे ही और रेसिपीज़ के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।